जो बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी निरंजनंद जी आए थे वो बोल रहे थे मन हमारा बल्ब के जैसा है कि बल्ब का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ऐसे ही मन है, अगर उसको फोकस कर दिया जाए, एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, कुछ भी आग लगा सकते हैं हम, ऐसा मन है। तो ऐसे मन को हमको क्या जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको ट्रेंड करना है, इस बंदर को ट्रेंड करना है हमको। इस बंदर को ट्रेंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जहर उतारना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा अभ्यास के द्वारा ट्रेंड करना पड़ेगा। यही अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम के द्वारा। क्या मन को चंचल करने के लिए कस के पकड़ने तो मन चंचल आपका बंधन बंद जाएगा क्या? आप उसको बिल्कुल कस के पकड़ लीजिए कि नहीं मेरे मन तो कुछ मत सोच, अभी यही काम करना है। इज इट पॉसिबल? नो। जिस तरह से बंदर को एक माँ जो होती है, छोटी बच्चे की माँ होती है, जब घर का काम करती है तो उसका छोटा बच्चा, चंचल बच्चा जो नया नया चलना सीखा है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, तो माँ क्या करती है, रस्सी बांध देती है बच्चे को, बांध देती है कि तू यहीं बैठा रहा, मैं रोटी बना लूं। वो बच्चा और चिल्ला चिल्ला के रोता है, नहीं बांधने देता। फिर क्या करती है माँ, एक लंबी रस्सी बांध देती है कि चलो ठीक है तुम पूरे घर में घूमते रहो, और या फिर रस्सी छोड़ देती, सामान वामान नीचे से हटा देती है और काम भी करती है, एक नजर रखती है उसके ऊपर कि क्या कर रहा है ये बच्चा, जस्ट एक नजर रखती है, वॉच करती रहती है। ऐसे ही हमको मन को क्या करना है, छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। मन को जितना हम बांधेंगे मन उतना ही ज्यादा भटकेगा। योगा में बोला है मन को छोड़ दो, स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता में ही खुशी है, पराधीन होके कोई नहीं जीना चाहता, पराधीनता में दुख है। मन को जितना पकड़ेंगे मन उतना भागेगा। सिर्फ मन को छोड़ दो और मन को वॉच करो। कैसा वॉच करना, एक दृष्टा की तरह, सीयर की तरह, खाली हम उसको देखेंगे क्या कर रहा है वो, दैट्स इट। छोड़ेंगे नहीं उसको, जो मन में आता है कर तू, नहीं छोड़ेंगे। बच्चे को छोड़ नहीं सकते कि जा तू जो मन में आता है कर, एक साल के बच्चे को, उसको उसी रूम में रखेंगे, उसी रूम में काम करेंगे, देखती रहेगी माँ कि ये बच्चा क्या कर रहा है मेरा। ऐसे ही हम अपने मन को खाली देखेंगे कि मन क्या कर रहा है, और यही अभ्यास हम करेंगे आज प्राणायाम में करेंगे, और यही अभ्यास हम मेडिटेशन में करेंगे, और उसको आप लोग महसूस करेंगे करने के बाद आपको कैसा फील होता है। फिर मुनि पतंजलि का एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। मुनि पतंजलि बोलते मन को वश में करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास कैसा, अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध है, तन्नी मतलब मन की वृत्तियों का निरोध। अगर अभ्यास वैराग्य के साथ किया जाए, मतलब कि जो चीजें हमको अट्रैक्ट करती है उनसे दूर रह के अगर हम रोज अभ्यास करें, आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज धूप है, आज कोई मेहमान आ गया, चलो अच्छा हो गया आज प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा, आज चलो वो कुछ काम निकला है, चलो मैं तो बहाना ही ढूंढ रही थी, प्राणायाम ना करना पड़े, बढ़िया हो गया। बहाने जो ढूंढते हैं, ये बहानों से दूर रोज अभ्यास करें तो मन की वृत्तियों का निराकरण हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि ये अभ्यास तो कर रहे हैं हम, लेकिन अभ्यास कब तक करें हम? सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आश्रितो दृढ़ भूमि, ऐसा अभ्यास जो कि दीर्घ काल तक, सतु ऐसा अभ्यास जो कि दीर्घ काल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक आप करेंगे उसको, हो सकता है पूरा जन्म भी लग जाए आपका, एक जन्म पूरा चला जाए, निरंतर बिना रुके, रुकना नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो हम रुक जाए, रुकेंगे तो वापस नीचे आ जाएंगे। सत्कार, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सत्कार के साथ में ऐसा अभ्यास करेंगे तो दृढ़ भूमि, दृढ़ संकल्प जागृत होंगे। और जो अगर हम जो बात की मैंने कि पूरा जीवन भी चला जाएगा, तो पूरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो संस्कार अगले जन्म में काम आएंगे, सब संस्कार संचय होते हैं। इस जन्म में फल नहीं मिला तो वहीं से आगे की जर्नी हम उधर शुरू करेंगे, ये योगा का मानना है, ये योगा की थ्योरी है। एक मेरी बुआ है घर में, वो मुझे हमेशा बोलती है, अरे मीरा मेरे से जो है ये मेडिटेशन प्राणायाम ये सब नहीं होता, तू खाली मुझे ध्यान लगाना सिखा दे, प्राणायाम आसन मेरे बस की बात नहीं है, तू खाली मुझे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कोई ऐसी टेक्निक बता दे ताकि मेरा ध्यान लग जाए। तो मैंने कहा अच्छा,
आप क्या करते? बोले मैं कोशिश बहुत करती हूँ ध्यान लगाने की, वो जो बाबू जी ने गुरु जी ने जो गुरु जी के हैं ये सब भी पढ़ती हूँ मैं, और प्रार्थना भी करती हूँ और बैठती हूँ जी। नो, जब हम मेडिटेशन करेंगे तब हमें ज्ञान होगा। नो, ध्यान और मेडिटेशन, हाँ नान ज्ञान ना ज्ञान। नो, जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको ज्ञान होगा, विवेक ज्ञान मतलब आत्मस्वरूप। हाँ हाँ, मेडिटेशन मीन्स ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, अपना नॉलेज होगा कि हम कौन है, हम कौन है, ये नॉलेज अगर हो जाए हमें तो कोई उसके बाद कोई और नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो बुआ क्या बोलती थी मुझे, खाली मुझे ध्यान लगाना सिखा दे बस, और कुछ नहीं सीखना मुझे। बोलती मैं करती बहुत हूँ मेडिटेशन घर में, मैं बैठ जाती हूँ और जोर जोर से बाबा जी का नाम भी बोलती हूँ, सब बोलती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो है कभी तो जाता है कि बैठी हूँ ध्यान नहीं जा रहा, वो भाई जो है काम कर रही है अच्छा से नहीं कर रही, ऐसी भाग जाएगी, दूध चढ़ा रखे उगल जाएगा, सब्जी पता नहीं लाई हुई है कि नहीं है, वो बहू पता नहीं क्या कर रही है, मेरी बुराई तो नहीं कर रही है बगल में जाके। तो मैं सोचती हूँ मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो उड़ जाती हूँ, मेरे से ध्यान वन नहीं होता, तू बता कैसे ध्यान करे। मैंने कहा ऐसे करो, बैठो आप करो ध्यान कोशिश, नहीं मेरे से नहीं होता। मैंने कहा पहले प्राणायाम सीखो। नहीं नहीं उतना टाइम नहीं है प्राणायाम सीखने का। ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं, मेरे बॉस मेरे को आके बोलते हैं, मैडम मुझे आजकल बहुत गुस्सा आता है, आप मुझे मेडिटेशन का जल्दी से कोई टेक्निक बता दीजिए ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए, मैं शांत हो जाऊं। मैंने कहा सर आपको प्राणायाम थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं नहीं उतना टाइम नहीं है, आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, आई जस्ट वांट टू लर्न मेडिटेशन, दैट्स इट, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी हम लोग एक एग्जांपल, एक उदाहरण करेंगे, एक छोटा सा अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सब लोग सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, मैं घड़ी में टाइम देख रही हूं, एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान लगाएंगे किसी भी चीज पे। सब आप लोग ध्यान लगाते आए हैं, मेडिटेशन बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन किसी भी काली चीज का स्मरण नहीं करेंगे आप, बिल्कुल नहीं करना है काली चीज का स्मरण। प्लीज ओपन योर आईज। मुझे बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे किसने काली चीज का स्मरण नहीं, किसको काली चीज नहीं दिखाई दी इस मेडिटेशन में, एक मिनट के मेडिटेशन में ब्लैक नहीं दिखाई दी, गुड नहीं दिखाई दी, वेरी गुड, इसका मतलब सब बहुत नो ब्लैक देखना ही नहीं था, हाँ ब्लैक ही आया, यही बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है। जिस चीज को हम मना करेंगे मन वहीं भागेगा, जिस चीज को वो आपने ध्यान लगा लिया होगा पर्पल तो वही चीज करेगा। हाँ तो ना बोलना ही नहीं उसको, बोलो ठीक है करो, मैं देख रही हूँ तुमको, तुमको जो करना है करो, आई एम जस्ट वॉचिंग यू, लेट देम डू व्हाट एवर दे वॉन्ट टू डू। ओके तो बस अब हम लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे ध्यान पे जाएंगे। उससे पहले ध्यान की परिभाषा जो है, देश बंधस से चित्त धारणा, चित्त से धारणा, देश मतलब स्पेस में, विद इन स्पेस किसी भी चीज पे मन को धारणा टिकाना, धारणा ध्यान नहीं है, धारणा ध्यान में फर्क है, धारणा मतलब फोकस करना, केंद्रित करना उस चीज को मन के अंदर, धारणा धारित करना। विद इन स्पेस किसी भी चीज को आप अपने अंदर फोकस करेंगे और उस चीज पे आप उस चीज को कंटिन्यूअसली वॉच करते जाएंगे, दैट इज ध्यान। प्रत्यत
मंत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। अब ध्यान कैसा है? धारणा जो है पानी की धारा की जैसे है, चंचल है। पानी की बूंद अगर यहाँ गिराऊंगी फैल जाएगी, पानी की धारा से पानी इधर उधर आएगा। लेकिन ध्यान कैसा है?